नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जब पुलिस ने 3 अपराधियों को भारी मात्रा में हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस की यह कार्रवाई साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के बबुराही गांव में की गई है, जिनके पास से पुलिस ने एक मास्केट, 3 देशी पिस्टल, एक डबल बैरल का राइफल, बंदूक की 8 गोलियां, 11 जिंदा कारतूस और 3 गोलियों के खोखे बरामद किए गए हैं। इस संबंध में बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि पुलिस को एक वीडियो हाथ लगी थी, जिस वीडियो में कुछ लोग जमीन के मामले में हथियार लहराते हुए नजर आए थे, जिसके बाद एसडीपीओ बलिया के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जिसके बाद इन अपराधियों की गिरफ्तारी हो पाई है। बेगूसराय के एसपी ने बताया कि रास्ता हेतु भूमि विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट की घटना घटित हुई थी। मारपीट के क्रम में दबंगों के द्वारा हथियार लहराते हुए दबंगई करते हुए मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका वीडियो उन्हें एक पक्ष के द्वारा उपलब्ध कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक पक्ष के 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में वशिष्ठ यादव, हरिश्चंद्र यादव और पारो यादव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आज से 2 दिन पहले एक वीडियो हम लोग को मिला था, जिसमें कि 2 पक्ष हथियार लहराते हुए और जमीन को लेकर मारपीट करते हुए उसमें प्रतीत हो रहे थे। इसकी हम लोग ने जांच कराई, जांच में पाया गया कि साहेबपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है बाबूराही, वहाँ पे पिछले 1-2 साल से एक जमीन का मामला ज्वलनशील रूप लिए हुए था। पिछले साल भी ये मामला आया था तो उस पर कार्रवाई की गई थी, उसके बाद शांत हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से 2 दिन पहले वहाँ पे दोनों पक्ष फिर से आपस में भिड़ गए और वहाँ पे हिंसा और खून खराबे की संभावना बन गई। तो जो वीडियो हम लोग ने देखा तो उसमें स्पष्ट था कि बड़े हथियार, छोटे हथियार और कई सारे हथियार लेके ये लोग दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो तुरंत मैंने इसकी जांच के लिए और इस पर कार्रवाई के लिए एसडीपीओ बलिया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इस टीम में हमारे वज्रा प्रभारी इंस्पेक्टर, हमारी चीता बल, हमारे SHO शाहपुर कमाल और ये बलिया की जो पूरी अनुमंडल पुलिस है, सबका हम लोग ने सहयोग किया। कल रात को उस गांव में जो सस्पेक्टेड लोग थे उनके घरों की हमने कॉर्डन किया, उसकी घेराबंदी की और कई 10 से ऊपर घरों की हम लोग ने तलाशी ली। उसके बाद उसमें 3 अपराधी जो वीडियो में दिख रहे थे उनकी पहचान हुई, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 3 देसी कट्टा, 1 लाइसेंसी हथियार, 11 जिंदा कारतूस, 3 गोलियों के खोखे और 8 बंदूक की गोलियां प्राप्त हुई हैं। ये तीनों ही जो अपराधी हैं बाबूराही गांव के ही हैं। वीडियो में हम लोग को हथियार लहराते हुए लोग देख रहे थे, ये सब वही हैं। तीनों की गिरफ्तारी की गई है, इन पे आर्म्स एक्ट का एक मामला दर्ज किया गया है और तीनों को जेल भेजा जा रहा है। वी टाइम न्यूज़ के लिए बिहार बेगूसराय से नबी आलम की रिपोर्ट।